दोस्तों, अब मैं आपको दरभंगा बिरौल पैसेंजर दिखाने जा रहा हूँ, जो कि सामने आपको जो लाइटिंग दिख रही है वो दरभंगा बिरौल पैसेंजर की ही है। अब हम हरनगर स्टेशन पे थोड़ा और आगे जाएंगे क्योंकि ट्रेन बहुत आगे तक जाती है। अब हम भी ट्रेन का मजा लें। देखिए ट्रेन तो अभी दूर है, पर तब भी मैं आपको वीडियो देता रहूंगा। मैं चाहता था कि इस पे मैं आपको लाइव ही दिखाऊं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं हो सका। ट्रेन आपको दिख रही होगी। चलिए, ट्रेन को तो अभी टाइम है, लग रही है प्लेटफॉर्म पे। ट्रेन छोटी रहती है, 4 से 5 कोचेज रहते हैं उसमें, आईसीएफ के कोचेज हैं। एल्को लोको मिलता है कोई। ये दरभंगा से खुलती है ट्रेन जो कि हरनगर तक आती है। और मैं बता दूं कि मैं दरभंगा में रहता हूं और हरनगर मेरा गांव है। तब तो ट्रेन तो अब आ गई। देखिए वो जो वहाँ आपको लाइटिंग दिख रही है वो कस्तूरबा गांधी की सरकारी स्कूल है, जो यहाँ का एक स्कूल है। ठीक है, और आप ट्रेन का मजा लीजिए। स्कूल्स का मैं कल आपको एक व्लॉग दूंगा, अभी मैं अपने गांव में हूँ इसलिए। देखिए ट्रेन तो अब पास आ गई है, ट्रेन धीरे ही चलती है। अब देख सकते हैं टिकट काउंटर में कितनी लंबी लाइन लग गई है। देखिए आप टिकट काउंटर में कितनी लंबी लाइन है। देखिए ट्रेन तो आ गई। मैंने कहा था कि इसमें कोई एल्को लोको मिल लोकोमोटिव रहेगा। मैं आपको ट्रेन के पीछे देखिए चल रहा। देखिए रेल कोच है दरभंगा हरनगर, आप देख सकते हैं लिखा हुआ है इसमें। कोई दिक्कत नहीं है ट्रेन में, ट्रेन ज्यादातर खाली रहती है। आप जब चाहे तब आपको सीट मिल जाएगी। देखिए ट्रेन है, देखिए एक ट्रेन में जाने के लिए लोग कितना भीड़ है। देखिए अभी कुंभ मेले में सारे लोग जा रहे हैं। देखिए ट्रेन तो बहुत हसीन है, क्या कीजिएगा। इंडियन रेलवे आईसीएफ को चल दिया है। चलिए मैं ट्रेन में घुसना तो दिक्कत ही है, भीड़ ज्यादा है। मैं लगेजी वाले कोच में घुसती आपको इसका मजा दिलाता हूँ। देखिए लगेज है, ट्रेन अच्छी है, टाइम टू टाइम चलती है। इधर तो अंधेरा है, कुछ आपको दिख नहीं रहा होगा। अब मैं कोच के अंदर चलता हूँ। चलिए देखिए ये तो रही ट्रेन। देखिए मैं एंट्रेंस गेट में आगे वाले कोच में चलता हूँ। ट्रेन को जाने में टाइम है। देखिए ट्रेन ऐसी है, आप देख सकते हैं कितने सारे लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं। देखिए ये ट्रेन खाली रहती है, पर अभी देख सकते हैं क्या है कोड यहाँ उसमें का। आइए चलिए
चलिए हम आगे चल के आपको दिखाते हैं लोकोमोटिव। इधर मैं इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि अभी कुंभ मेला, तो लाइट कट गई लाइट, क्या करिएगा। मैं आपको लाइट तो दे नहीं पाऊंगा यहाँ, मैं आपके लिए कुछ करता हूँ। देखिए मेरे पास जो लाइट है वो लाइट कैपेसिटी तो मैं आपको दे रहा हूँ, तब भी ये लाइट आपको कम लगे। देखिए अब लाइट आई तो सही, पर चलिए मैं बाद में आपसे मिलता हूँ। फिर कल भी मुझे वीडियो बनाना है, अभी मैं कुछ दिन ब्लॉग बनाता रहूँगा क्योंकि मैं अपने गांव में हूँ। आपको कुछ गांव की इन्फॉर्मेशन भी दूंगा कि क्या कैसे होता है। चलिए मैं आपको एक बार बस लोकोमोटिव दिखा के ये वीडियो बंद कर दूंगा, ठीक है, ये वीडियो बना दूंगा। चलिए देखते हैं हम लोग WDM3D को। देखिए अब चाहे तो मैं ट्रेन के अंदर जाके दिखा रहा हूँ, कोशिश कर ही रहा हूँ। देखिए लोकोमोटिव को एक अपन कर दिया गया है, लोकोमोटिव तो चली गई। देखिए ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी कुछ। चलिए देखते हैं ट्रेन के अंदर कैसी ट्रेन है तो ये पैसेंजर ही ट्रेन पर तब भी खाली रहती है। देखिए इधर अंधेरा है, लोकोमोटिव आप देख सकते हैं, वो लोकोमोटिव है। देखिए ट्रेन ऐसे, मैं इस व्यू से मुझे अच्छे से रिकॉर्डिंग करना नहीं आता है पर तब भी ठीक है। ये अच्छी सी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है, साफ सफाई तो इसकी होनी रामी करेंगे, कि साफ सफाई कोई करेगा नहीं इसलिए तब भी। पर इंडियन रेलवे ने ये अच्छा किया कि एक रेल की बना दी। चलिए अब बाय।